तो आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले? सोयाबीन आलू की सब्जी और हलवा और साथ में पूरी और सलाद भी है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो रेसिपी है ना, पूरा फुल एंजॉय आप लोगों को मस्ती मिलेगी। तो आज हम लोग बना रहे हैं 25 से 30 आदमी का खाना और पूरा ब्लॉग आपको एकदम मजा ही मजा आ जाएगा ये देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या बनने वाला है? आज प्याज कटेंगे बस। प्याज कटेंगे, प्याज कट के बनेंगे सोयाबीन की सब्जी। थोड़ी सी एनर्जी नहीं है यार। हाँ तो भाई आज बनेंगे सोयाबीन की सब्जी और बनेगा हलवा, नहीं तो क्या बनेगा? आलू सोयाबीन बनेगा भाई, इसको पता भी नहीं है क्या बनेगा। आलू तो दोस्तों आज बनने वाले हैं आलू सोयाबीन पूड़ी और खीर। खीर खीर नहीं, हलवा हलवा तो हलवा, खीर हलवा पे पता नहीं, हलवा भाई हलवा हलवा ये चले खाना बनाने और पता नहीं है कि क्योंकि मम्मी काटने भाई, मम्मी का आइडिया हलवा या खीर में चेंज, मम्मी को पता है कि क्या बनाना है। तो बस दोस्तों आप सब नहा लिए हैं जो नहीं करेंगे कटिंग, और हमने प्याज भाई छील लिए हैं। चलिए दोस्तों कटिंग शुरू करते हैं, ले लाया जाए। वाह हाँ, यहाँ पे पिताश्री तैयार हो रहे हैं। नौकरी से बाहर निकाल दो। नहीं भाई खाना हम ही बनाएंगे तो नौकरी से बाहर कैसे निकाल दोगे? लेबर लोग पापा ज्यादा बोल रहे हैं। लेबर लोग आजकल ज्यादा बोलती है लेबर। आज मैं बनाऊँ ठेकेदार, ठेकेदार तो अभी तो पता नहीं है कि क्या बनाना है, ठेकेदार बन गए। तो यहाँ पे ललित भाई सबको धुल लेंगे। हाँ धुलिए धुलिए सबको धुलिए। दोस्तों वीडियो से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं घर में कुछ काम का, क्योंकि आपको पता है घर तो बन रहा है तो काम तो करना जरूरी है ही। यहाँ पे पापा मम्मी डिस्कस कर रहे हैं। अरे ये डिस्कस ऐसे बेमतलब करती रहती है। मेरा डिस्कस बेमतलब का लगता है। कोई नहीं मम्मी। लक्की भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं चाकू ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहे। और आप काटने बैठ गए और आपको चाकू नहीं मिला अभी तक? मैं कपड़ा ढूंढ रहा हूँ कि इसको पोंछूं। उठिए खुद कीजिए, ये लीजिए जादू कपड़ा आ गया। देखो कपड़ा जादू से आया है, जादू से चलान दिया है। दूर 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 तक, इधर पानी बाहर चल के आ जाएगा लक्की। हाँ बहुत बढ़िया, अब इसकी डांट पड़ेगी। पानी तुमने बाहर तक ला दिया, अब इसने यहाँ पानी कर दिया तो मुझे झाड़ू तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें डांट पड़ेगी। सभी प्याजों को पहले दो हिस्से में काट लेते हैं, फिर छोटे छोटे हिस्सों में हम काटेंगे सब्जी के लिए। तो अभी दो हिस्सों में कट चुके हैं, अब इनको हम छोटा छोटा बारीक बारीक काटते हैं। लक्की आ जा भाई, प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे काटना है ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बारीक काटना है। प्याज को हम गोल 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 काटेंगे। यहाँ पे ये दोनों कटिंग कर रहे हैं। थक गए क्या चाचा? तो यहाँ पे आटा डाल लिया जा रहा है, आज इसके अंदर आटा गूंदा जाएगा। थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आज सारा खाना बनने वाला है, क्योंकि आज है हमारे स्पेशल गेस्ट जिनके लिए हम आज बना रहे हैं खाना और उनको खा के मजा आए, बस हम यही चाहते हैं और हमें भी तो मजा आएगा ही। लक्की भाई फुल आराम से काट रहे हैं पैर फैला के। जब ज्यादा क्वांटिटी में आटा गूंदा जाता है तो पापा ही गूंदते हैं, क्योंकि हम लोगों से तो 1 किलो 1.5 किलो मैक्स। लक्की के आंसू, मेरी साथ ज्यादा प्यार करती है। तो मम्मी कहते हैं हमने इतने एपिसोड बना लिए फिर भी ऐसा लगता है कि अभी पहला ही बना रहे वीडियो। और एज यूजुअल घर में काम चल ही रहा है, यहाँ पे सीमेंट रखा हुआ है तो इसलिए हम इधर खाना नहीं बनाते हैं। ये कटिंग है लक्की की और ये है कटिंग ललित की, किसकी अच्छी है बताइएगा? ललित की अच्छी है भाई, बस ये पेट में जाने से। लक्की की अच्छी है, लक्की को ही आप कहना कि उसका अच्छा है। नहीं भाई देखो क्वांटिटी मेरी ज्यादा है पर क्वालिटी ललित की अच्छी है। कुछ भी हो लक्की का अच्छा किया है। बुरे बता भाई किसकी अच्छी है? बुरे कोई बोलना, बता भाई किसकी अच्छी है? मेरी तरफ देख रहा है। ला 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 अंदर चलो, अच्छी है बता दे जल्दी बोल किसकी अच्छी है। मेरी तरफ आके बैठा है इसलिए मेरी अच्छी होगी। इधर आटा भी गूंद गया है, लोग अभी तक प्याज नहीं कटा, पापा ने पूरा आटा गूंद दिया है। देखिए अब इसको पापा रेस्ट पे रख देंगे ना पापा। और यहाँ पे मैडम तैयार हो रही है। लंबी लंबी मिर्ची पापा तड़के में, थोड़ी मिर्ची लंबी लंबी काट के। अरे मसाला तो उसका निकाल दो, मसाला पीस कटा देंगे। ठीक है अभी मसाला पीस देते हैं। मसाला तो आप ही निकालेंगे पापा, क्योंकि मैडम तो यहाँ पे तैयार हो रही है। वाह मैडम, आटे का ट्रांसफर होते हुए और इसको अब उल्टा ढक करके रख दिया जाएगा कपड़े से। ये लीजिए
उसको समझ आ जाता है। ले, खा ले। अब हाथ धुलना पड़ेगा मेरे को। जाइए जाइए। अच्छे से छू लो ना फिर इसको। 10-15 कम से कम। पापा चूल्हा जलाऊं, लकड़ी लाऊं? हाँ ला ला लकड़ी ला। तो थोड़ी थोड़ी लकड़ी वहां जाते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। हाँ जी बन जाएगा, वो बना देंगे। ठीक है। पागल। यहाँ पापा कर रहे हैं किस चीज की तैयारी? ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये क्या पापा? वो एक टमाटर का गुद्दा निकाला था ना, और लहसुन है, और यहाँ पे अदरक खूब सारा। नेक्स्ट काम, टमाटर काट दीजिए बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल बारीक बारीक। और ये जो प्याज काटे हैं इसको एक अलग बर्तन में रखिए। मैं इस पे रख दूंगा सब। नहीं ना, तो टमाटर का पानी निकलेगा ना, जिसका जूस होगा, फिर वो फैल जाएगा। सिलबट्टा गिर गया। तेरे को इंस्टेंट कर्मा मिलता है। ऐसी चीजें क्यों करते भाई मेरे साथ? चल उठा। ये कौन सा तरीका है भाई? उस पे ज्यादा ज्यादा मम्मी करेगी ना। हाँ हाँ, हलवा बना दे उस पे। मना थोड़ी है, सब्जी बना के पूड़ी यही बनेगा बड़े कढ़ाई में। तो दोस्तों हम डिसाइड कर रहे थे तब से कि कहाँ बनेगा, तो इधर पूड़ी बनने का हो रहा है और उधर बनेगा हलवा और सब्जी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और खाना बनाना है हमें अनलिमिटेड। तोड़ मत दियो, बस मार पड़ेगी बहुत। अदरक को सबसे पहले हम कूच लेते हैं और आराम आराम से। तेरे अदरक कूद कूद के मेरे तक पहुंच रहे हैं। वापसी कर दियो, ले मत जाइयो। तो ये है हमारा नाद, इसके अंदर गाय खाना खाती है ना बाबा? गाय खाना खाती है, लेकिन चूल्हा बनाने के लिए रखे हैं इसको। अभी थोड़ी देर में बोले कभी कभी तेरी मम्मी भी खा लेती है। इसमें बनाएंगे हम आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो पोते दिए हैं, अब चलते हैं चूल्हा जलाने। ओ छम छम छम, आज हम काम नहीं करेंगे। हाँ जिस दिन आप साड़ी पहन लेते सबको समझ आ जाता है मम्मी, इनको साड़ी पहनाना ही एक। तो दोस्तों आज हम काम नहीं करेंगे, एक शर्त करेंगे, लाला जी जब हमारे लिए गाना गाएंगे, वो मेरी जोहर जबी। जोहर जबी चलाट। बोलो ना गरीबो, और टमाटर काटू। हम गरीब की संगल से देखते हैं। लाला जी के साथ रहते हैं हम रईस हैं। पता नहीं यहाँ पे पापा क्यों चूल्हा जलाया जा रहा है। ये भाई सब्जी के लिए। हाँ थोड़ा दो चूल्हा बन जाएगा तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है पिता पिता, ठीक है। मैं तो कितना अदरक काट के फेंक दिया। गीत गाई तो काम कर, हाथ मन नहीं कर रहा काम करने का। तो गीत सुन के कैसे काम करने का मन कर जाता है? थोड़ा मन करेगा। इसको छोटा सा काटूं जी? आप किस चीज की दुविधा में हैं बताइए। नहीं अदरक कट चुके हैं, उसको रख दीजिए। और लक्की भाई कैसे चल रही है सब कुछ? बस कट रहा है। कट रहा है, पीस रहा है। पीस तो आप सही रहे हैं वैसे। क्या कर रहे भाई, यूट्यूबर के साथ रह रहे के हलवा ही तो भाई नहीं जाते हैं। दावा में काम करते थे भाई। देखो राज खोल रहा है मेरे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे हाथ का स्वाद चैनल में। और आज ना लाला जी मेरे लिए गाएंगे बहुत ही प्यारा सॉन्ग। हाँ पापा। नहीं मैं नहीं। चली जा चली जा, खाना बनाने दे। ठीक है, इतना बड़ा का काम कर देंगे। बस बड़ा पति ले। जय माता दी। आप क्या कर रहे हैं सर? मिर्ची ढूंढ रहे हैं। तो मिर्ची का पौधा तो उधर है। धुआं धुआं होने जो होने जेबे तो दाल भात खाइबे, हेने आइबे तो कुआं में डूबे, होने जेबे तो दाल भात खाइबे। बोलते थे मेरी मम्मी जहाँ जाती है आग लगती है, पहले धुआं होगा जब तो आग लगेगी। ये सब से हम काम नहीं करेंगे, हमारा फरमाइश पूरा करना पड़ेगा, हमारा डिमांड पूरी की जाए, हमारी डिमांड पूरी की जाए। खाना बनने के बाद चल का दूंगा, खाना बना पहले फटाफट।
तो दोस्तों खाना बनाना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अग्नि देवता को नमस्कार कर लेती हूँ कि हे अग्नि देवता, आज हमारे हाथों में इतना बरकत दीजिएगा कि जितना बना रही उससे चार गुना हो जाए। ये वाली टेक्निक सब सीख जाए। सबसे पहले श्री गणेश करते हुए सरसों का तेल डालते हैं। आलू उबाल दिए हैं, इसको छीलते हैं। सरसों का तेल बनाएंगे बाबा खाना। हाँ, सरसों का तेल में ऐसी जीभ लगाई। क्या लेके आ रहे हैं आप? ये है प्याज टमाटर मिर्च। ग्रेवी तैयार? ग्रेवी के लिए सामान। ये तड़का में जा रहा है जीरा, लाल मिर्चा, कश्मीरी मिर्चा ठोक के तेल में। अब जाएगा जेल में। छोलनी दे दो भाई। कुछ भी लेके बैठे नहीं हो क्या आप? भाई लोग दबाते हैं ना तो तीन चार हेल्पर लेके आते हैं। छोलनी या छनावटा भी लेके आते हैं हम घर से ही। हम पता है कौन सा हलवाई है, ऑनलाइन वाले हलवाई। पता भूल गया है, प्याज डाल लेते हैं। गरम 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 ठीक ललित, तू बोलते क्या कर रहे हो बाबा? अफवाह बोलते बेटा, अपना नाम ऊंचा। पानी दे दो हाथ जलना तो पानी में आलू को पानी दे के आना पड़ेगा। कहाँ है? नहीं पानी कुएं में है, निकाल दो भैया। मेरे लिए छोलनी ला दो भैया, मेरे लिए आइसक्रीम हटा बुरा और मेरे लिए व्यूज और लाइक। ना भाई हो गया आपको अदरक लहसुन हो गया, लेकिन बहुत बारीक है, काफी है। कैसे छिल रहे तुम जल्दी? मेरे से एक ही नहीं छिला रही थी बेटा, ढाबे पे काम करते थे, ढाबे पे घोल के पिला था बेटा। भाई साहब पूरे हाथ जलने लगा था। तो पानी ले आना और छोली भी ले जा। पानी दे यार, डुबा डुबा काजू को निकाल दे। एक गोता आदमी जलेगा हाथ तो भी हो ही करेगा। ललित मैट बिछा रहे हैं, मैट नहीं कम दरी है। क्रेडिट गोज टू मामी, राधा मन मामी जी। मामी एक और चाहिए हमें, इसलिए आपका 10 बार नाम ले रहे हैं। भाई मामी भी हमारी वीडियोस देखती हैं। सभी देखते हैं आजकल, तो रिलेटिव्स तो सारे देखते हैं। क्यों ललित? लाइक और शेयर करके जाइएगा। हाँ देखते बने तो तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी। गाना चल रहा है, शादी का सीजन आ गया है। मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया है, वीडियो का भी बल्ले बल्ले ही हो गया है। बल्ले बल्ले इसलिए हो क्योंकि इनको वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा ना। को ही दूल्हा बनाऊंगी। इस पे इंस्टाग्राम बनाएंगे मम्मी, शादी सीजन आ रहा है ना। वैसे ही पापा आजकल कुर्ता पजामा शेरवानी में ज्यादा रह रहे, सोच रहे कि कोई इंस्टाग्राम पे मिल जाए। पापा कह रहे नहीं होता है, कपड़े चेंज नहीं करने पड़ेंगे। और दोस्तों को लोगों पता है आज शादी में गया, कपड़े भी चेंज नहीं करके गया। डाल दो। क्यों डालोगी? खाना बनाना ही नहीं है तो क्यों डालो? हाँ जल गया। धीरे धीरे कर, मजा नहीं ले खाना बनाने से? इतना छोटा क्यों है? बड़ा पतीला वाला चूल्हा नहीं है ना, वो वाला चूल्हा हम लोगों का टूट गया है दोस्तों, तो इसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जाएगा देगी मिर्च दोस्तों इसमें कलर के लिए, और अदरक लहसुन डाल दिए थे प्याज डालने के बाद, तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच हम डाल देते हैं देगी मिर्च। यहाँ पे हम 3 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर डाल दे रहे हैं, या अपने तीखे के अनुसार डालें। और यहाँ पे कम से कम 4 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और यहाँ पे 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर देंगे। तो देखिए कैसा बन रहा है मसाला। तो अब यहाँ पे हम टमाटर भी डाल देंगे। कितने किलो का पतीला है मम्मी ये? 10 किलो का है। 10 किलो का है, तक आधा लीटर बस। और इसको ना अच्छा से गलने के लिए छोड़ देते हैं टमाटर को। ओ बाबा, ये कह रहा है ना कि जो सब्जी मम्मी अभी बना रही है ना वो इतना टेस्टी होगा, अगर वही आप बनाए होते ना तो और टेस्टी होता। नहीं तो अलग टेस्ट होता। हाँ मतलब नहीं, बढ़िया नहीं बनाते आप। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा रात को खाया ना सब्जी। मैं बनाया था। यहाँ पर पापा ने सारे आलू को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, बुकनी कर लिया है। लकी धुआं धुआं कर दे रहे हैं। भाई मेरे पे कोई काम नहीं तो मैं क्या करूं? कुछ इसीलिए मम्मी की ऐसे मदद करा था, देखो यूं आता और यूं डाल के भाग जाता हूं।
यहाँ तो भाई मुझे कैमरा पकड़ा, ये देख रहा कैसा है। यहाँ पर है पूड़ी के लिए डो, इस डो से हम बनाएंगे खूब सारी ढेर सारी पूड़ियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना भी है, 10-15 लोगों को खाना है, टोटल हम 15-16 लोग होंगे खाने के लिए। दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज है, अभी हम हलवा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ढक करके रख दिया जा रहा है। हलवा बनाने के लिए हमने ढेर सारी चीजें ले ली हैं, इन्हीं सब चीजों को मिला के बनाएंगे हलवा। तो मम्मी से पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे सब चीजों के नाम नहीं पता है। वाह वाह, थाली तो बहुत अच्छी सजा दी लली तूने। हलवा का सारा सामान निकालते चलो। ये देखिए ग्रेवी कैसा बना है, बहुत ही रिच ग्रेवी है। बताओ मम्मी कब तक बनेगा? बन जाएगा तेरे को, जल्दी काहे होने लगता है। आलू का चोखा खाओगी? लो आलू का चोखा बना लो। ठीक है मम्मी, चूल्हा जला लो मम्मी एक बार। नहीं एक बार मम्मी नहीं। यहाँ पे सारे आलू डाल दिए गए हैं, मसाला भून गया था उसके बाद आलू डाले हैं। अब 5 मिनट और भूनेंगे। कुर्सी पे क्या किया जा रहा है? ये दूध निकाल रहे हैं भाई पैकेट से। यहाँ पे सब हलवे की तैयारी हो रही है। लक्की हलवे के लिए दूध निकाल रहा है, पापा यहाँ पे सूजी निकाल रहे हैं, और ललित ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स तो निकाल ही दिए थे, और यहाँ पे अब ललित विश्राम कर रहे हैं। भाई यहाँ तो छोड़ दे। मैं कहीं नहीं छोड़ती। अब ये जा रहे हैं दूध की थैली में थोड़ा सा पानी डाल ले। ये तो छोड़ दे। ये सब मम्मी से सीखा है भाई। कब तक बनेगा? खाने की तरफ ताकता मत रहो। रख लेते हैं। ये हमारा आलू कैसे भून के लाल हो गया है। ओहो बहुत बढ़िया। अब इसमें जाएगा पानी खूब सारा। हाँ जितना आपको ग्रेवी बनाना हो, तो पूरी के साथ खाना है तो ग्रेवी ठीक ठाक रखेंगे, लटपट रखेंगे मम्मी, ज्यादा नहीं रखेंगे। हाँ हाँ पानी तो चाहिए, सोयाबीन भी डालना है इसमें। हाँ हाँ डालिए। वाह वाह गाना बंद हो गया। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाल मिर्चा भी बढ़ाए हैं, क्योंकि गांव में ना सबको चटपटा पसंद है, और ये हरा मिर्चा ही मजा आ जाएगी। पानी मम्मी ले ना यार, फिर आलू डाल दे तो थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी दोस्तों, तो इसलिए लकी लेके आ गए पानी सभी के लिए। भाई पानी ले, भाई पानी गर्मा पिला दे तो ऊपर से। देख ज्यादा है बोल बोल। आपको पानी भाइयों? हाँ आप पानी पी लीजिए, ये लीजिए। सब्जी हो गया, इसको उतार देते हैं। देखिए कितना अच्छा सब्जी में उबाल आ चुका है, ग्रेवी के साथ आलू पक चुका है। तो आप सोच रहे होंगे आलू सोयाबीन बना रहे थे, सोयाबीन कब डालेंगे? तो सोयाबीन फ्राई होगी जब पूरी बनेगी तब ना मम्मी। यहाँ रखा हुआ है सोयाबीन, सब्जी को उतार लेते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये कढ़ाई चढ़ाते हैं और। तो सोयाबीन को हम तल लेंगे, ऑयल गरम है, इसे फटाफट छान के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोयाबीन देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। क्या तो बात इसे है? हम डाल लेंगे अपना आलू में। इधर डाल रहे हैं नमक, तो गरम मसाला है ये। तो लास्ट में क्यों पापा? लास्ट में तो गरम मसाला डालते ही हैं। अच्छा इसको एक बार चला लेते हैं, ढक देंगे, फिर इसे खाने के टाइम में। अभी पूरी भी बनता है, ठंडा हो जाएगा, तो इस वजह से दोबारा गरम कर देंगे। वैसे गरम करने की जरूरत नहीं है, नमक तो इतना गरम है सब्जी की तरह मिल जाएगा। चलो सूजी भुनवा भाई फटाफट। ये सूजी लिए हैं, सूजी को हम डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सूजी को भून के गुलाबी कर लेते हैं, एकदम गुलाबी गुलाबी। 5-6 मिनट हो गया भूनते हुए, अब घी डाल लेते हैं और एकदम अच्छे से पका लेंगे। पानी हम तैयार रखो। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारी सूजी भून गई है, और क्या करना पड़ेगा मैं अब बस इसको भून के लाल कर ले रहे हैं। और दूध और पानी बराबर बराबर मिलावट करेंगे पूरी। तो देखिए सूजी भून गया है, तो यहीं पे हम डाल लेते हैं पानी। और यहाँ पर भाई पानी आ चुका है, तो दूध कहाँ रह गया? भाई बनेगा हलवा एक नंबर।
मम्मी ड्राई फ्रूट डाल दो ना अभी। यहाँ पे हम डालते हैं थोड़ा सा फूड कलर। पापा के एक्सप्रेशन। यहीं पे डालेंगे चीनी। अब भाई हलवा लगेगा मीठा। और पापा जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पांच छह इलायची ऐसे कूट लेते हैं और डालेंगे हलवा में। तो हलवा देखिए खोलने लगा है, इसे चलाते रहेंगे कि बराबर पके। तो हलवे में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल के तैयार कर लेते हैं अपना हलवा। हैं देख रहे हैं कैसा लग रहा है दोस्तों। तो हलवा को हम मिक्स कर लिए हैं, ये देखिए, और अच्छे से ड्राई फ्रूट्स मिला लिए हैं। और यहाँ पर रह रहा है आखिरी चीज घी। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पूड़ियाँ। यहाँ पे पापा और ललित है। पापा का योगदान है बेलने के लिए और ललित का योगदान है गोल करने के लिए। और ये देखो भाई ऐसे बनती है ना पूड़ियाँ। ये एक और बार, अब ये गई सीधा गोल। इसमें थोड़ा सा आटा छिड़क लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। और यहाँ पे हम ले जाएंगे भाई अपनी पूड़िया एकदम गर्मा गर्म। ले जाएंगे पूड़ी वाले को हम तो ले। अच्छा पूड़ी वाले तो पापा हुए। डालो हो गया। भाई तेल गर्म हो गया, फटाफट पूड़ी डालते हैं। तेल पूरा चढ़ रखा है और आराम से डालें। ये काम सावधानी का है, ये काम किसी एक्सपर्ट का है। लकी का ठीक है। ये काम आप अपने बड़ों के होते हुए करें। अब यहाँ पर हमारी देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूड़ी फूल रही है और एकदम करारी पूड़ी बनाएंगे। और ये हमने भाई पूड़ी एकदम करारी कर ली है और वो भी पलट पलट के। और इसको डाल लेंगे भाई एक छन्नी में। करारी पूड़ी बन के हम रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। क्या बात है, बड़ी करारी पूड़ी बना रही है यार। मजा आ जाएगा भाई। ये ले ललित भाई, इसको भी ले ले। मेरी थाली गायब थी भाई, आज मैंने 5 कर दी पूरी। और यहाँ पर भाई पापा सारा लेकर आ रहे हैं भाई। देखो भाई घी, देखो घी। और सब्जी को हमने कर दिया एकदम अच्छे से गरम। अब निकालो भाई, इंतजार किस चीज का है, मेरे मुंह में पानी आ गया है भाई साहब। और सब्जी के क्या कहने, बनाएंगे तो पता चलेगा ना। वैसे आलू के सोयाबीन भाई, आलू और सोयाबीन सब्जी एकदम बढ़िया सब्जियों में से एक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडी सब्जी है। और यहाँ पर भाई फूली और करारी पूड़ियाँ। हमारे सलाद, यहाँ पे टमाटर और प्याज। लेट हो गई है एकदम, तैयार आ गई है उसमें सोयाबीन की सब्जी, हलवा, सलाद और साथ में गर्मा गर्म पूड़ी। तो जब प्लेट आ गई है तो किस बात की है देरी, अब मैं भी आ गई। तो खाना आ गया प्लेट में, अब जाएगा पेट में। तो किस बात की देरी, खाते हैं। हाय रे मेरे मोटो, हाय रे मेरी मोटो। एकदम करारी पूड़ी है भाई, जो भी बोलो इसको ऐसे तोड़ो। और भाई मेरा तो भाई सोयाबीन आलू फेवरेट है, ऐसे करना है। सबसे पहले दोस्तों को, और ये लो दोस्तों आलू और ये लो सोयाबीन और थोड़ी सी मिर्च की स्वाद। और मैं आलू सोयाबीन खा लेता पर हलवा भी चख के बताता हूँ। तो दोस्तों मैं भी श्री गणेश कर ही देती हूँ, काहे पीछे रहे, किस बात की देरी। तो अपने दोस्तों को भी खिला लेती हूँ, हमारे दोस्त बोलेगा ना कि प्लेट देख के आप भूल जाती हो। तो क्या करें दोस्तों, पेटे पहाड़ है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा ब्लॉग आप लोगों को बताइएगा। और ये आलू सोयाबीन और पूड़ी और हलवा कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे हाथ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे हाथ के स्वाद को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरे हाथ के स्वाद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। कल आइएगा जरूर, हम भी आएंगे। यहाँ पर दोस्तों खाना आ चुका है भैया लोगों के लिए। और ये देखिए, और यहाँ पर हमारी फटाफट पूड़िया बनाई जा रही हैं। और ललित जी सर्विस मैन है आज। अरे ललित भाई क्या कर रहे हो यार, पूड़ी खत्म हो गई यार, आप तो यार बड़े धीरे ढीले हो यार।
इसको सैलरी मत देना आज, ठीक है? ज्यादा खिला यार, दो पूड़ी ज्यादा खिला यार, क्या कर रहा है? पूड़ी नहीं आ रही है, बोल रहा है ज्यादा खिला। देख निकल गई। सारे भैया लोगों ने खाना खा लिया है और हाथ वाथ धुलने गए हैं। तो ये दोस्तों हमारे छोटा दादा के लिए है। छोटा दादा ना? हाँ, छोटा दादा को बोलियो गरम गरम है दादा, अभी खा लेना।